अपना कुंटी बेटा, उस पहाड़ी पे हम जाएंगे ट्रैकिंग करकर, सनराइज देख सकते हैं। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अर्ली मॉर्निंग 3 बजे हैं, मैं चला हूँ एक ट्रिप के लिए कुंटा बेटा। मैसूर के पास मंडिया के नज़दीक एक पांडापुरा गांव है, हम लोग वहाँ जाएंगे और अभी बज रहे हैं अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock। मैं पहुँचा हूँ मेजिस्टिक रेलवे स्टेशन, यहाँ से 4 बजे ट्रेन है जो हमको छोड़ेगा 6 बजे और वहाँ से हम जाएंगे ट्रैकिंग, तो बहुत मज़ेदार रहेगा। चलिए पूरा ट्रिप हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ये मैं पहुँच गया मेजेस्टिक रेलवे स्टेशन, ये बैक गेट है प्लेटफॉर्म नंबर 10, अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock। फ्रेंड्स मैं आ गया हूँ रेलवे स्टेशन पे, आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 10 पूरा बंद है। अभी टाइम बज रहा है अर्ली मॉर्निंग 3:30, रेलवे स्टेशन बंद है तो मैं टिकट कैसे लूँ। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक मशीन्स लगाया हुआ है, तो अभी हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे फास्ट बुकिंग। फास्ट बुकिंग के बाद हम लोग सेलेक्ट करेंगे पांडवापुरा, जहाँ हम जाना है पांडवापुरा, हम सेलेक्ट करेंगे UPI। तो जैसे ही आगे आप ये UPI स्कैन करेंगे और पेमेंट करेंगे, तो मैं अभी स्कैन करके पेमेंट करूँगा, तो देखिए ऑटोमेटिक इसमें अभी हमको आ जाएगा टिकट। तो मैं अभी पेमेंट कर रहा हूँ, देखिए ये आ गया अपना टिकट। तो आप देख सकते हैं बैंगलोर टू पांडवापुरा। तो आप अगर अर्ली मॉर्निंग आते हैं तो कोई फिक्र नहीं है, आप ऑटोमेटिक मशीन्स यूज़ करके भी आप टिकट को ले सकते हैं, तो बहुत अच्छा फैसिलिटी है। तो मेरे को टिकट मिल गया है, अभी हम लोग जाएंगे प्लेटफॉर्म पे। तो गाड़ी आ रहा प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे, कावेरी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 5। तो अभी हम लोग चले हैं रेलवे स्टेशन। तो अर्ली मॉर्निंग, क्रांतिवीर संगोली रायना रेलवे स्टेशन, बैंगलोर रेलवे स्टेशन। फ्रेंड्स बहुत अच्छा भी फील हो रहा है और अजीब भी फील हो रहा है कि कोई लोग नहीं है, तो मेरे को लगता है सिर्फ मैं ही हूँ, नोबडी है। तो अर्ली मॉर्निंग 6 बजे मैं पहुँच गया पांडवापुरा रेलवे स्टेशन, तो ये ट्रेन पहुँच गया हूँ, तो यहाँ से हम जाएंगे कुंटे बेट्टा ट्रैक। तो चलिए भाई, तो ये है पांडवापुरा रेलवे स्टेशन, यहाँ से आपको ऑटो और बसेस मिल जाएंगे माउंटेन के लिए। फ्रेंड्स मैं ट्रेन में उतरने के बाद अभी पहुंच गया हूं पहाड़ के पास, वो रहा अपना कुंटी बेट्टा। उस पहाड़ी पे हम जाएंगे ट्रैकिंग करकर, बट उससे पहले यहां देख सकते हैं ये रिवर कितना खूबसूरत नज़ारा है, क्या मैं आपको बताऊं, एकदम बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा है। अर्ली मॉर्निंग 6:30, बहुत ज़बरदस्त गाँव भाई। मैं अभी आया हूँ, ये है पांडवापुरा और वो है कुंटी बेट्टा, और ये आप लेक देख सकते हैं, बहुत बड़ा लेक है, क्या खूबसूरत नज़ारा है। ऐसे भी आप लोग निकलिए ट्रैकिंग के लिए और देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है, वाव, सनराइज देख सकते हैं, सनराइज हम लोग यहाँ से देख रहे हैं जिसके लिए हम लोग आए थे। तो फ्रेंड्स ये रहा रोड, मैं रेलवे स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर्स आया हूँ, तो यहाँ पे अभी आएगा बेस कैंप जो ट्रैकिंग का बेस कैंप है, फिर वहाँ से हम जाएंगे पहाड़ी पर। फ्रेंड्स ये पहाड़ी चढ़ के आ रहा हूँ मैं अभी नीचे से, कोई नहीं है, ओनली मी एंड माई सेल्फ। काफ़ी अच्छा नज़ारा है नेचर के साथ, सोलो ट्रैकिंग बहुत ही मज़ेदार। तो फ्रेंड्स ये है स्टार्टिंग पॉइंट कुंटी बेट्टा का, मैं अभी ट्रैकिंग स्टार्ट कर दिया हूँ।
तो पहले आते यहाँ पे एक टेंपल है, फ्रेंड्स इट्स का हाइट है 2882 फीट है और अभी हम जो ट्रक जा रहे हैं अप एंड डाउन 4 किलोमीटर्स हाई स्लोप है। तो ये वाला स्लोप फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग अभी हमारा ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये पीछे आप नज़ारा देख सकते हैं पूरा। तो ये लोकल्स हैं, लोकल्स के साथ मैं जुड़ गया हूँ, अभी इनके साथ ट्रैकिंग कर रहा हूँ। बहुत स्लोप है भाई, बहुत स्लोप है। ये स्टार्टिंग पॉइंट हाँ से चल रहा अभी। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से कैसे बहुत ही मज़ेदार है फ्रेंड्स, एकदम बहुत मज़ा आ गया। यहाँ से व्यू देख सकते हैं आप लोग, ओह अर्ली मॉर्निंग 6:30, कोई नहीं बहुत डिफिकल्ट हुआ चढ़ने के लिए ये पॉइंट बहुत ही डिफिकल्ट था। तो वापस चढ़ रहा हूँ। हाँ बंदे, तो यहाँ से व्यू देखिए फ्रेंड्स। तो मॉडरेट ट्रैकिंग काफ़ी अच्छा है, अभी इसको चढ़ना है, बहुत स्लो है फ्रेंड्स। एक हाथ में मोबाइल है, देखिए ये कैसे तो ये मोबाइल बंद करना पड़ा है फ्रेंड्स, यहाँ से चढ़ने के लिए मैं मोबाइल को बंद कर रहा हूँ। फ्रेंड्स फुल टायर्ड हो गया हूँ, कंप्लीटली टायर्ड। तो बहुत देख सकते हैं फुल एग्जॉस्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं कैसे कैसे रास्ता है ये पॉइंट बहुत मज़ेदार है, इतना ही ट्रिलिंग है उतना ही खतरनाक भी है।
यहाँ पे जंप करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से भी जंप करना पड़ेगा मेरे को, लोग वहाँ जा रहे हैं। बहुत ही मुश्किल रास्ता है, अभी थोड़ा ठीक है। कोई नहीं है, हम और नेचर इतना इतना ज़बरदस्त है, मैं क्या बताऊँ फिर। देखिए यहाँ पे थोड़ा रोड इजी हो गए, वहाँ पे देख सकते हैं पूरा विलेज, हम कितनी ऊपर आ चुके हैं। रास्ता देखिए, देखिए यहाँ पे स्लोप कैसे आ गए हमको, अभी तो सामने जो लोग जा रहे हैं वो साउंड करते हुए जा रहे हैं कि आप लोग उनको फॉलो कर ले, लोकल से यहाँ के, बिना कोई लोकल के हम लोग इम्पॉसिबल है। चलिए फ्रेंड्स थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे, उन लोगों के साथ निकल जाएंगे। वाव, यहाँ से देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है। तो वापस जम करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ये बहुत स्लोप था इसलिए मैंने मोबाइल को बंद कर दिया और ऊपर चढ़ के वीडियो बनाया हूँ। देखिए ये बहुत लास्ट का पॉइंट स्लोप ही है। फाइनली मैं ऊपर आ चुका हूँ कुंटी बट्टा के पास, ये ऊपर का व्यू है, आप यहाँ से देख सकते हैं पूरा विलेज और ये स्लोप देख सकते हैं कैसा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा गाँव आप देख सकते हैं कुंटी बट्टा, हम ऊपर आ चुके हैं, ये है फाइनल स्पॉट, ये पिल्ला है फाइनल स्पॉट। यहाँ से व्यू देखिए क्या ज़बरदस्त है। हम लोग वहाँ से स्टार्ट किए थे वो विवेक के पास, और अभी हम लोग यहाँ पर फ्रेंड्स आपने देखा मैंने पॉइंट पे आ गया ऊपर, अभी हम लोग नीचे जाएंगे तो नीचे का स्लोप देखिए कितना खतरनाक है, बहुत मज़ा आएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये रहा स्लोप, अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं। फ्रेंड्स अभी इसके नीचे उतरना है तो मोबाइल ऑफ कर देंगे। अभी जस्ट मैंने स्लोप उतरा है, अभी ये स्लोप उतरना है फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं, देखिए ये बहुत लोग उतर रहे हैं, देखिए तो ये से सब है। तो अभी हमको ये पत्थर ये पूरा उतर के हमको ऐसे जाना पड़ेगा। चलिए
फ्रेंड्स इतना वर्कआउट हो रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। वो दिस इज़ द रोड, हमको ऐसे उतरना पड़ रहा है, ये रास्ता है। ओह फ्रेंड्स देखिए कैसा मोड है, यहाँ से व्यू देख सकते हैं। अभी हम लोग इसके अंदर से निकल के आए थे। अभी हम कैसे निकल रहे हैं, फ्रेंड्स अभी हम लोग वहाँ चढ़ेंगे उस टॉप पे। ಒಬ್ಬೇ ಬಂದೆ ಕಲ್ತಾಗ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಭಯ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೇಖಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೆಸ ನೋಡಿ, ಯಾಸೆ ಭಿ ಜಾ ಸಕ್ತೆ, ಯಾಸೆ ಭಿ ಜಾಕೆ ವ್ಯೂ ದೇಖ ಸಕ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ದಾರಿ ಅದು. ಹಾಂ ತೋ ಅಭಿ ಹಮ್ಲೋಗ ಐಸೆ ಜಾಯೆಂಗೆ. ಹಲೋ ಹೇಳೈತೆ, ಇಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಅರ್ಧ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ನಿಂತು ಹೋಯ್ತಾರಂತೆ, ಅದು ದೂರ ಅಂತಲ್ಲ ಸಕ್ಕತ್ತು. ಹೀಗೆ ಕೆಸ ರಾಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಐತೆ, ಮನೆ ಬರ್ತು ಓದ್ಬೇಕು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹತ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಂ ಜೊತೆ ಅವರೇ ಆಯ್ತು. फ्रेंड्स अभी मैं वहाँ पे था, आप देख सकते हैं वो पिलर, मैं वहाँ से अभी इस पहाड़ी पे आया हूँ। वो सारा पहाड़ नीचे उतर कर
और इस पहाड़ी पे आए हूँ और यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं। मैं आप लोगों को क्या बोलूँ, ये बताऊँ, इतना टायर्ड हो चुका हूँ, आप देख सकते हैं, फुल एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, फुल टायर्ड, एक्सट्रीमली बहुत मज़ा आ रहा है। ये हमारे एक साथी मिले लोकल, साथ में सो राघवेंद्र मिला, यहाँ के लोकल हैं, इनके साथ पूरा घूमने का मौका मिला, नहीं तो इम्पॉसिबल है। थैंक यू राघवेंद्र, थैंक यू। तो पता नहीं दोस्तों, यहाँ फ़ोन का कुछ प्रॉब्लम हो गया, क्या फ़ोन ओवरहीट हो गया या कुछ इश्यू हो गया, तो यहाँ से वॉइस रिकॉर्डिंग बंद हो गया। वीडियो तो चल ही रहा था बट वॉइस रिकॉर्डिंग बंद हो गया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से व्यू कैसा है, तो मैं इसको ओवर वॉइस कर रहा हूँ, तो आप इसको व्यू देखिए कितना ज़बरदस्त है। तो मैंने थोड़े यहाँ पर फ़ोटोज़ भी लिए हैं, देखिए काफ़ी अच्छा नज़ारा था, आप पूरा गाँव देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, कितना व्यू अच्छा है। चलिए मैंने एक जंप भी ले लिया। तो मेरे साथ जो थे राघवेंद्र, वो मेरे को बहुत सपोर्ट कर रहे थे, वो खुद भी देखिए वो वीडियो शूट कर रहे थे, बट थोड़ा वॉइस का इशू हो गया। आप यहाँ से व्यू देखिए कितना अच्छा व्यू है, आप लोग भी विजिट कर सकते हैं ट्रैकिंग के लिए, यहाँ से काफ़ी अच्छा है। चलिए हम लोग अभी यहाँ से और नीचे चलते हैं। तो बहुत टायर्ड हो गए थे, तो मैंने यहाँ पे एक ब्रेक ले लिया, हमारे पास थोड़ा ब्रेकफास्ट था, मैंने लेके गया था बनाना वगैरह, तो हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के ब्रेकफास्ट वगैरह किया, फ्रूट्स वगैरह जो मैं लेके गया था, पानी का बॉटल लेके गया था। तो यहाँ से हमने थोड़ा स्लो डाउन कर दिया कि भाई यहाँ से स्पीड नहीं जाएंगे, थोड़ा स्लो जाएंगे, और यही लास्ट पॉइंट है जो हम लोगों ने जो स्टार्टिंग में ये चढ़े थे। तो देखिए ये थोड़ा स्लोपी है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर थोड़ा स्लो डाउन से जाएंगी। तो आप मेरा हालत देख ही रहे हैं, 4 किलोमीटर्स अप एंड डाउन करने के बाद एकदम इतना मैं टायर्ड हो गया था, तो यहाँ से मेरे को एक एक कदम भी इतना भारी पड़ रहा था और ये स्लोपी था, तो मैंने क्या किया, धीरे धीरे स्टेप्स लिए और अपने बॉडी को अक्रॉस कर दिया। तो यहाँ से मैंने मोबाइल राघवेंद्र को दे दिया और आप लोगों को बोलूँगा कि भाई आप जब नीचे उतरेंगे आप अपना बॉडी को साइड कर दीजिए और धीरे धीरे क्रॉस कर लीजिए कि आप स्लिप ना होए। तो ये टेक्निक मैं आप लोगों को दिखा रहा था, देखिए ये मैं धीरे धीरे जो उतर रहा था अपना बॉडी को साइड कर दिया था। तो ये वही पॉइंट है जहाँ से हम लोगों ने ट्रक स्टार्ट किया था जो स्लोपी था, तो हम लोग नीचे उतर रहे थे तो देखा कि बहुत लोग अभी ऊपर जा रहे हैं, यंगस्टर्स, शायद वो लोकल्स की या कोई मैसूर वगैरह के रहेंगे, वो लोग काफ़ी आते हैं। तो मैं फिर भी क्या नीचे उतरने के टाइम पर अपना पूरा बॉडी को अक्रॉस ही करके उतर रहा था, तो यहाँ पर वो लोकल बोला कि भाई यहाँ पर आप एक बैठ के भी नीचे उतर सकते हैं, तो मैंने ट्राई किया, चलिए इसको ये अलग तरीके से इसको ट्राई करते हैं। तो देखिए यहाँ से मैं धीरे 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 उतर रहा था और आपको इजी लग रहा है बट जैसे मैं 4 किलोमीटर वो ट्रक करके आ रहा था तो मेरे को बहुत मुश्किल लग रहा था, यहाँ से एक एक स्टेप भी मेरे को भारी पड़ रहा था, तो मैंने बैठ के उतर गया। तो देखिए ये धीरे धीरे मैं नीचे उतर गया और नीचे उतरने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि एक बहुत बड़ा टास्क मैंने कम्प्लीट किया है, तो बहुत एक्साइटमेंट वाला ये ट्रक था। तो लेट्स फाइनली मैंने इसको कंप्लीट किया। तो टैंक सपोर्ट्स टू ऑल लोकल्स जो मेरे साथ थे, दिखे फ्रेंड्स ये लोकल्स मज़ा ले रहे हैं। तो अभी टाइम हो रहा था 9:30, तो टोटली मेरे को 3 आवर्स लगा ऊपर जाके नीचे आने के लिए, दिखे ये लोग सब इन्जॉय कर रहे थे तो मैं भी अपना ट्रिप इन्जॉय किया। तो जैसे ही मेरा ट्रिप कम्प्लीट हुआ मैंने पानी पिया और जितना स्नैक्स वगैरह मैं लेके गया था सब खाली कर दिया। फ्रेंड्स अगर आप ऐसे ट्रैकिंग पे आ रहे हैं तो खुद अपना खाना पानी और जो भी स्नैक्स वगैरह है आप साथ लेके चलिए, वरना आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। और ये आप देख सकते हैं मैंने ट्रिप कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई ये ट्रिप बहुत ईजी भी था, मॉडरेट भी था,
कोई भी कर सकता है, और 4 किलोमीटर से अप ऑन डाउन है। यहाँ पे लगा कि अपना मोबाइल में कुछ इशू होएगा, तो मैंने फ़ोन को रिस्टार्ट कर दिया और साउंड वापस आ गया। एक्सपीरियंस था कुंटी बेटा जो पांडवापुरा में है। फ्रेंड्स, फाइनली मैं ऊपर जाके आ गया। ये बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। सुबह मैं ट्रैकिंग स्टार्ट किया था 6:30, तो अप एंड डाउन ऊपर जाके नीचे आने के लिए मेरे को 2 आवर्स लगा। बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था फ्रेंड्स। आप पीछे देख सकते हैं, ये पूरा ये एक ट्रैकिंग पॉइंट स्पॉट है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो आप देख सकते हैं ये पूरा ये एआई। तो अभी भी आप देख सकते हैं कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। बहुत अच्छा लगा। तो यही स्पॉट है, मैं सुबह मॉर्निंग स्टार्ट किया था 6:30, तो अभी हम ऐसे ही नीचे होते हुए। तो फाइनली ये ट्रिप कंप्लीट हुआ। अगली बार आप भी हमारे साथ ज्वाइन कीजिए कोई भी ट्रैकिंग, काफ़ी मज़ेदार था। चलिए मैं आपको लोकल दिखाता हूँ, लोकल गांव कैसा है। लोकल तो यहाँ से भी एक रास्ता जा रहा है। ये हसी वादियाँ, ये खुला आसमां, मैं हूँ और कोई नहीं है यहाँ। दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे पीकॉक्स हैं, कोई नहीं है, बहुत अच्छा माहौल है। पहाड़े में कुदरत, सुकून की जगह है। पानी का झरना देखिए। यहाँ पे एक चीज़ ज़्यादा है, नारियल, शुगर कैन बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, अभी पहाड़ देखने के बाद अभी हम लोग आए हैं वहाँ से 1 किलोमीटर दूर। यहाँ पे एक हज़रत की दरगाह है, हज़रत सैयद गंज गौहर बादशाह। तो एक बहुत फेमस दरगाह है। चलिए यहाँ पे चलते हैं और यहाँ का भी नज़ारा देखते हैं। और यहाँ से बस 3-4 कदम दूर ही है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही आलीशान पानी बह रहा है, और ये यहाँ पे हजरत की आरामगाह है। तो 24 घंटे पानी की नहर बाजू से बह रही है। ये डेड एंड है, इसके पीछे कोई रास्ता नहीं है, एक लास्ट डेड एंड है। यहाँ का नज़ारा आप देखिए। पानी बह रहा है। तो याखी साइड है, इसके पीछे कोई साइड नहीं है, तो ये रास्ते का डेड एंड है।
दोस्तों ये है पांडवा पुया वैली स्टेशन। अभी मैं पहुंच गया वैली स्टेशन। अभी बज रहा है दोपहर का 1 बजे, 1:30 को ट्रेन है। यहाँ से हम चलेंगे बेंगलुरु के लिए। तो दोस्तों ये अभी इंजन जो है ये ट्रेन को लगने वाली है। तो अभी बज रहे हैं 4:30 PM। तो फाइनली मैं बैंगलोर पहुंच गया। तो 2.5 घंटे की नींद के बाद बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। अगर मैं आपकी आपकी इसकी कॉस्टिंग बताऊं तो जाने का कॉस्ट मेरे को 60 रुपीज़ पड़ा, आने का कॉस्ट 60 रुपीज़ पड़ा, और वहाँ पे माउंटेन के पास जाने आने के लिए 15 रुपये का कॉस्ट था बस का, और मैंने ब्रेकफास्ट तो खुद लेके गया था, और लंच मैंने किया 90 रुपीज़। तो यह रहा मेरा शेड्यूल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।